तुम्हारा घर कितनी दूर है यहाँ से? यहीं से तो है रास्ते में, जहाँ से तुम्हें बाजार खत्म हो गया था। हाँ। वही हमारे मोहल्ले हैं वो सब। अच्छा, एक गुड बाय सेल्फी हो जाए। हाँ यार बिल्कुल ले लो। आ रहे हैं, निकल रहा हूँ। तो गाइस विदाई सेल्फी हो रही है, आप लो लो, मेरा तो ब्लॉग बन रहा है। देखो साइड आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। फारस भाई मिलते हैं आपसे, ओके यार आपसे ही मिलते हैं, केक काटते हैं फिर बहुत जल्द। अरे अरे अरे, केक काटते हैं फिर, 1 लाख का करेंगे, मिलेंगे अगले तक, हो जाना चाहिए। ठीक है, हो जाएगा, हो जाएगा, ठीक है। तो तगड़ी बात है, तुम्हें सोंडा कुंडल की सिर्फ ड्राइवर चेंज हो पर आ सवारी भी चेंज होगी। देखो बिल्कुल मामी जी लग रहा है, बिल्कुल फैन है मामी जी। लेकिन मामी जी क्या करती है, इस बार सास गुजर गई है तो इस वजह से थोड़ा सा चल पे अलपी कम ले रही है। तो मामी जी तो हमने बोन की फैन थी। तो कैसा लग रहा है फिर आपको? बहुत अच्छा लग रहा है मुझे अपने भांजे के साथ। सास गुजर के? तो रामनगर से निकल रहे हैं दोस्तों, काफी अच्छा ट्रिप रहा और बहुत बढ़िया गेट टुगेदर भी हो गया परुली टीम के साथ। और अब हमारा प्लान है, यहाँ बीच में एक हनुमान धाम भी पड़ता है दोस्तों, छोई नामक जगह है एक वहाँ पे, तो हम अभी वहीं जाएंगे पहले और वहाँ पे हनुमान जी के दर्शन करेंगे। काफी अच्छा मंदिर है बताते हैं, मैं तो गया नहीं हूँ आज तक, गर्जिया भी मैं पहली बार आया हूँ, तो वहीं जाके मैं आपको वहाँ की भी थोड़ी सी विजुअल्स दिखा दूंगा और उसके बाद फिर हम हल्द्वानी चले जाएंगे और फिर ब्लॉग एडिट करेंगे। ठीक है, तो आप देख सकते हैं हनुमान धाम की पहली झलक। तो गाइज अभी हम हैं छोई के हनुमान धाम में, ये हमारे आज के ड्राइवर साहब दोनों हर्षित हर्षित, और कितने स्मार्ट है दोस्तों। देखिए आप, कभी आपने सोचा था आप जिंदगी में ड्राइवर बनेंगे? वो भी पवन पहाड़ी का। ये और मैंने दोनों को मौका दिया, किसी के साथ ना इंसाफी नहीं करी है भाई। जो जो बंदे यहाँ तक नहीं आए हैं वो पवन पहाड़ी ब्लॉग्स के माध्यम से इस धाम के दर्शन कर लो, बहुत जल्द हनुमान जी का हुक्म होगा तो आप भी यहाँ पहुँचेंगे। फिलहाल आप ऑनलाइन दर्शन कर लो, वैसे भी कोरोना काल चल रहा है। ठीक है, ये देखिए हमारे मौसू। मारुति सारी राम कथा का सार तुम्हारी आँखों में, जय जय बजरंग बली, जय 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 बजरंग बली। बोलो बजरंग बली हनुमान की जय, पवन सुत हनुमान की जय। चल एनी वे, आप भूल गए आपके बाद। पहुंच चुके हैं, चाबी दे। तो गाइस अभी रात के बज रहे हैं 9:30। अब हम अपना जो मेन काम है वो करने जा रहा हूँ। ये देखिए आप, यहाँ पे ब्लॉग एडिट करने बैठा हूँ। तो कैसा लगा आपको आज का ब्लॉग ये मुझे बता देना, और अच्छा लगा हो तो प्यारे प्यारे कमेंट छोड़ देना, मैं दिल देने को तैयार हूँ। बहुत जल्द एक नए ब्लॉग के साथ मुलाकात होगी, तब तक अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, बाय बाय। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। एक बार फिर से अर्धरात्रि के बीच में मैं गुड मॉर्निंग बोलना पड़ रहा है क्योंकि अकेजन ही कुछ इस टाइप से है दोस्तों। अभी टाइम हो रखा है 11:57 और अब से 3 मिनट बाद ही आज से 24 साल पहले इस घर में खुशियां आई थी। महाराजा और महारानी दोनों पधार चुके हैं। आला का आर्य रहे, मौसी हमेशा नींद के झोंके में होते दोस्तों। मौसी की नींद के बारे में मैं आपको एक बात बता दूं, मौसी अगर एक बार सो जाती है ना फिर वह नर मरो कुंजर मरो, ये धो धो कर, मतलब ये है यहाँ पे कुंभकर्ण की, पर ये नहीं है यहाँ पे, समझ रहे हो आप, मतलब ये है यहाँ पे पर नहीं है यहाँ पे, इसको पता ही नहीं है अभी क्या हो रहा है यहाँ पे, खाली मतलब ये पुतले की तरह यहाँ पे बैठा रखी, वो भेषोण होना है पहाड़ में बस वैसे। और मौसा जी हमारे आर्मी पर्सन, देखिए आप बिल्कुल चमक के साथ बिल्कुल प्रोएक्टिव होके यहाँ पे बैठे हुए हैं दोस्तों, तो यही एक आर्मी पर्सन की पहचान होती है। कोई एक वाला यार लगना मुंह हूँ दे बैठा होना ले ले पिक्चर, ये मौसा जी देख रहे हैं दोस्तों हॉलीवुड की मूवी। अभी क्या देख रहे थे मौसा जी आप? वेब सीरीज देख रहे थे, क्या नाम क्या है उसका? द सिटी ऑफ ड्रीम्स। ओके दोस्तों, तो सिटी ऑफ ड्रीम्स देख रहे थे मौसा जी, किसमें? हॉटस्टार में बोला। तो गाइस ये है देखिए आप, गुड़ का गोबर जैसा केक हमारा घर में दोनों।
उसे लगाना था दूर में ऐसा लगाना था कि गुरु तू भर दे रहा कुछ ठीक है गुरु को भरा मेल में यो कि अल्लाह भाई बिगोज जो ये आप देख सकते हैं दोस्तों हर्षित भाई का आज बर्थडे है दोस्तों हमारे इस मौसी मेंशन के सबसे स्मार्ट सबसे डैशिंग हैंडसम स्मार्ट बंदे का आज बर्थडे है उसको हम लेके आते हैं और लवी भी यहाँ पे नींद के झोंके से उठा हुआ है दोस्तों आई लव यू गुड मॉर्निंग कैसे हो थैंक यू बर्थडे विशेस के लिए बर्थडे बॉय की एंट्री यहीं से होने वाली है आपसे किसी भी देर में बर्थडे बॉय की मुंह दिखाई हो सकती है दोस्तों 3 2 1 ये डे टू यू हैप्पी बर्थडे टू यू हैप्पी बर्थडे डियर हर्षित हैप्पी बर्थडे टू यू गॉड ब्लेस यू मे गॉड ब्लेस यू जीते रहो जीते रहो खूब उन्नति करो ये तो दोस्तों जयमाला का स्टेज सज चुका है लवी यहाँ पे कैंडल्स लाने की तैयारी कर रहा है दोस्तों Happy birthday to you, happy birthday dear Harua, happy birthday to you. Bare bare din din aaye, bare bare ye din gaaye, tum jiyo hazaron saal, ye meri hai. Happy birthday to you, la la. Happy birthday to you, la la. Happy birthday. और मौसमी. To the Harshit. पूरा सब पूरा दुनिया आ रही है. अच्छा यार. ठीक है गाय का ही है. कोई बात नहीं खा लेते. चलो. ओहो इतना छोटा बाइक पावर. सामने आ गया ना. तू भी खिला. मस्त यार मस्त हाँ बीड़ी पिला रहा है क्या दोस्तों सब केक खिलाते हैं बीड़ी पिला रहे हैं ये हैप्पी बर्थडे देख कल्पना का बर्थडे हो गया हर्षित का बर्थडे आ गया तेरा बर्थडे कब आता है बता दे फैंस बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं रुपए तो गया हाँ आज ही आता मेरा भी खाने को मिलता है पहली बार खा रहे आपके आने के बाद है खाया नहीं आज तो नहीं खाया थैंक्स यही रहो फिर मौसी मुंह का नहीं रहेगी तो कहो जब अभी तक अरे रुक जाओ आपका बर्थडे भी आने वाला है कुछ दिनों में आप सितंबर के बाद ही जाइए अगस्त एक महीना पक्का ना ये ब्लॉग में बोल दे क्या कल्पना मेरे को यहाँ रुकना चाहिए यस क्या लवी मेरे को यहाँ रुकना चाहिए हाँ अब लवी का बर्थडे 30 फरवरी को हूँ 30 फरवरी मतलब मैं कभी जाऊँगा ही नहीं ये भाई से तो जैसे ही कल्पना का बर्थडे था उस दिन भी हमने ये सवाल किए थे आज हर्षित भाई का बर्थडे है तो इनसे भी हम पूछते हैं दो आदत ऐसी बताए जो हर्षित में तेरे को अच्छी लगती है चल एक बता दे यार दिन आते मगर पत्ते हो सोचना पड़ेगा अभी बनानी पड़ेगी एक बता दे अच्छी लगती है हां हर्षित चुप रहो वाह कल पता अच्छी लगती है मम्मी हां हर्षित चुप रहता चुप रहने की आदत कल उसको अच्छी लगती अच्छा एक ऐसा आदत बता दे जो तू चाहती कि कल्पना हर्षित मतलब छोड़ दियो बता एक घंटा टॉयलेट में बैठ Oh my God! Oh, driver साहब! हर्षित की अच्छी आदत हर्षित की वजह से बहुत अच्छी आदत है ठीक है पर जो मुझे सबसे अच्छी आदत लगती है ना कि दिल का बहुत अच्छा एहसास है मतलब यू नो और एक बुरी आदत ये है कि अगर आप इससे थोड़ा भी यू नो वो वैसे पेश आओगे तो ये दिल पे ले लेता है मतलब इसका नाम दो नाम रखे मैंने एक गनेल और एक सांप नाग भूलता नहीं है ये एक साथ बात की रुझान देखे अच्छी आदत है बुरी आदत है अब आप मेरे को ये बताओ कि आप ऐसी कौन सी एक दो आदतें हैं जो आप इस बर्थडे में अपनाने वाले क्या अपनाने वाला हूँ जब मम्मी ने बोला
वो वाला वीडियो में डलेगा नहीं डलेगा? डलेगा ना, बोलो। अब तो पक्का डलेगा, अब तो पक्का डलेगा, बोलो। ऐसा कुछ है नहीं है, मतलब परफेक्ट टाइप का थोड़ा सा। तो मेरे वाला बोल दे, मम्मी वाला, मतलब थोड़ा मम्मी वाला शर्मा रहा है, सिर्फ कम बोल। मतलब सुधार करना पड़ेगा मेरे को। हां मतलब तुम्हें थोड़ा सा वो करना पड़ेगा ना, प्रेशर की जो समय सीमा है वो कम करनी पड़ेगी, थोड़ा कम करना पड़ेगा। ओके, सुबह गर्म पानी पियो, मेरा नुस्खा यार। दूसरा पता है क्या, थोड़ा फोन कम चलाना चाहिए वैसे मेरे को। ओह यू नो दैट। तो हर्षित ने दोस्तों दो रेजोल्यूशन यहां पे लिए हैं। एक तो ये हो कि करल हगन बखर टाइम कम लगाए द करियो हर्षित, यू नो दैट कि मोबाइल कम चला रहा है, और दूसरा ये फोन कम चलाएगा। तो हर्षित तू अगर वहां टॉयलेट में फोन लेना बंद कर देना तो तेरा प्रेशर ऑटोमेटिकली वो हो जाएगा। तो दोस्तों इट्स ऑलरेडी 12:30, ठीक है। तो कल मैं आपको मिलता हूँ आप सुबह, अभी मैं भी थोड़ा आराम कर लेता हूँ, मैं मेरा तो प्राण छू यार ना। तो मौसी ओके, गुड नाइट, गुड नाइट, कल मिलते हैं एक बार फिर से आपके बच्चे का हैप्पी बर्थडे टू।